तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुजीत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फर्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। कूलम्स लॉ तो आप जानते ही, अच्छे प्रकार से कूलम्स लॉ क्या आता है, एक चार्ज हमारे पास ये है, एक चार्ज ये है, इसके बीच में सेपरेशन मान लेते हैं आर है, तो जो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये फोर्स हमारा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है, ठीक है। तो हम लोग आज कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जल्दी से टॉपिक बना लीजिए कूलम्स लॉ, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि इसकी फॉर्म सीधा एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, हमको वहां से टिक करनी होती है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, हम लोग मान लेते कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू, एक और चार्ज हम लोग मान लेते हैं यहां पे हमारे पास Q चार्ज है। इस चार्ज को हम Q1 बोलेंगे, इस चार्ज को Q2 बोलेंगे, और दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं हमारे पास R है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, अगर जो Q1 चार्ज इसको फोर्स लगाती है, ये Q1 चार्ज इस पर फोर्स लगाई, तो इस पर फोर्स लगा, फोर्स किस पे लगा बच्चों, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, चार्ज वन इस पर फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगा रही है, तो फोर्स लगा दूसरे बॉडी पे, किसने लगाया बच्चों, पहले बॉडी में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स टू वन लगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, फोर्स टू वन इस डायरेक्शन में लगा, तो इसका पोजीशन जो हुआ, हम लोग कहां से गए, वन से टू की तरफ, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी ऐसा होना चाहिए इसके अलावा। दूसरी चीज समझिएगा कि अगर जो चार्ज टू इस पे फोर्स लगा है, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स किस पे लगा, एक पे किसने लगा है, दूसरे ने, और ये जो पोजिशन हम लोग कैसे जा रहे हैं बच्चों, पोजिशन हम लोग टू से वन की तरफ जा रहे हैं, तो आर टू वन जो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस अब इसी से हम वेक्टर लॉ लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं फोर्स टू वन पहले निकालते हैं एफ टू वन, तो हमारे पास फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यही हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं बच्चों, ठीक है। अब हम इसको पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे एफ टू वन वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय, अब देखिए एफ टू वन का पोजिशन वेक्टर क्या है बच्चों, F21 इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स जा रही है, ये जा रही है, ये इस डायरेक्शन जा रही है, तो R12, तो हम लिखते हैं R12, ठीक है, R12, साथ ही साथ इसका एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमको लिखना ही पड़ेगा, यूनिट वेक्टर R12 का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, R12 का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन बताता है, हमको यहां पर डायरेक्शन पता चल चुका कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कहां है, वन से टू की तरफ है, जो F21 है इसका डायरेक्शन क्या है, वन से टू की तरफ, फिगर हो या ना हो हम इसको देख के बता सकते हैं कि F21 का फोर्स कहां है बच्चों, वन से टू, दैट मींस वन बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जो फोर्स लग रहा है F21, क्लियर है। अब देखिए, तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इनटू, बच्चों यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये लिखते हैं। तो F21 जो हमारे पास आएगा बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय R12 पावर टू पावर वन पावर थ्री R12 का वेक्टर। तो ये बच्चों हो गया हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एक फॉर्म, इसका एक और फॉर्म हमें करना है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलरली F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R21 का क्यूब इनटू R21 का वेक्टर, जस्ट इस फोर्स को उसका उल्टा कर दीजिए, तो फोर्स अगर जो वन से टू के तरफ, फोर्स कहां पे लग रहा है बच्चों, वन पे लग रहा है, किसने लगाया, टू ने लगाया, तो फोर्स वन टू का पोजिशन वेक्टर R21 है, R21 ये हमने लिख लिया ये। अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि फोर्स जो टू वन है वो फोर्स वन टू के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है बच्चों, अपोजिट है, तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां तक नोट डाउन करिए बच्चों, फिर इसके आगे हम एक और मॉडिफाइड फॉर्म करेंगे इसी वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म इस फॉर्म में भी आप रख सकते हैं, ठीक है, बाकी और भी एक और फॉर्म है उस फॉर्म में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां तक आपको आ गया तो वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हमने फोर्स टू वन निकाला वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू का क्यूब इंटू आर वन टू की वेक्टर, यही निकाला ना बच्चों,
यही निकाला हमने, और एफ वन टू हमने निकाली के क्यू वन क्यू टू बाई आर टू वन का क्यूब इंटू आर टू वन का वेक्टर, यही निकाला वेक्टर फॉर्म में। अब बच्चों मान लेते हैं कि इसको एक प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया चार्ज Q1, एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया चार्ज Q2, यहां से लेके यहां तक जो पोजीशन वेक्टर है वो R12 है, यहां से लेके यहां तक जो पोजीशन वेक्टर है वो R R2 है, ठीक है, R2 वेक्टर है। अब देखिएगा बच्चों, ये हमने कुछ ऐसा लिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने वाले, इसलिए समझिएगा। अब देखिए हमने जैसे स्टार्टिंग में किया था, जो चार्ज ली थी उस चार्ज को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, ये हमारा चार्ज वन है, चार्ज वन इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, फोर्स किस पे लगी, दूसरे बॉडी पे, किसने लगाया, वन ने लगा। इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगी, फोर्स किस पे लगा, पहले बॉडी पे, किसने लगाया, दूसरे बॉडी ने, तो ये फोर्स लग गया। अब देखिए बच्चों, जो इस पे जो फोर्स लगा एफ टू वन पे, जो फोर्स लगा F21 पे, जो फोर्स लगा उसकी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, R12, दैट मींस 1 से 2 के एंगल, तो R12 का पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूं। फोर्स इस पे जो फोर्स लगा इसने किसने लगाया बच्चा, R2 ने, R21 ने लगाया, जो कि इस डायरेक्शन में लगा रही है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उस पर इस डायग्राम को फॉर्म में कर, अगर कूलम्ब स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म कहा गया तो आप यहां से भी इतना लिख करके इस फिगर को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये फिगर समझ में आया, हमने एक चार्ज Q1 लिया R1 डिस्टेंस पे, एक दूसरे चार्ज लिया R2 डिस्टेंस पे, और चार्ज जो फोर्स लगा Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया, फोर्स किस पे लगा, 2 पे लगा, किसने लगाया, 1 ने लगा, क्लियर है। तो फोर्स 2-1 के अनुरूप जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो R12 होगी, ये तो कोई डाउट नहीं है, जैसे हमने पहले किया था। इसी प्रकार से F12 इस पे फोर्स किसने लगाया, 2 ने लगाया, किस पे, वन पे, तो F12 लिख दिया हमने, और इसकी पोजीशन 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ हमने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है बच्चों, कि अगर जो दो वेक्टर है ठीक है, दो वेक्टर अगर जो सेम ऑर्डर में लिया जाए तो उसका थर्ड साइड हमको रिजल्टेंट दे देता है, तो उस हिसाब से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कौन सी पोजीशन वेक्टर जा रही है ये बताइए, बस पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। R1 वेक्टर की एरो ऐसी है, R2 वेक्टर की ऐसी है, तो R1 वेक्टर प्लस हमको यहां पे लेनी पोजीशन वेक्टर, इस डायरेक्शन के अलोंग कौन सी पोजीशन वेक्टर जा रही है, ये जा रही है या फिर ये जा रही है, तो इसके अलोंग हमारी ये जा रही है, हम लिखेंगे R1 प्लस R12 वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट हमको कौन देगा बच्चों, थर्ड साइड जो कि इसकी अपोजिट ऑर्डर में ली गई है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है ना, कि अगर जो दो वेक्टर है सेम ऑर्डर में ली गई है तो उसका थर्ड साइड जो ट्रायंगल की रहेगी जो कि अपोजिट ऑर्डर में, वही हमको रिजल्टेंट देगा। तो यही हम कर रहे हैं, एक वेक्टर इसके अलोंग जा रही है और इस वेक्टर के अलोंग R12 जा रही है, तो सेम ऑर्डर में हो गई, और ये इसके अपोजिट ऑर्डर में, तो अपोजिट ऑर्डर वाला हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, यही है ना। तो हम यहाँ पे बच्चों R12 की जगह क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 बताइए लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, अब इसके अलोंग चलते हैं R2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर इसके अलोंग कौन जा रहा है बच्चों, इसके अलोंग जा रहा है ये R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट दे देगा अपोजिट ऑर्डर में जो कि R1 वेक्टर। तो हम ये लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, बताइए बच्चों कोई डाउट नहीं। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, इसको मान लीजिए इक्वेशन टू। अब R12 जो यहां पे लिखा हुआ है इसकी जगह हम इसको डाल सकते हैं, और R21 जहां पे लिखा हुआ है इसकी जगह हम इसको डाल सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 by R12 का होल क्यूब, तो R12 की जगह क्या ले सकते हैं बच्चों, R12 की जगह क्या ले सकते हैं बच्चों, हम R12 की जगह ले सकते हैं R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 का होल क्यूब डॉट R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। इसी प्रकार से सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 by R1 माइनस R2
का होल क्यूब डॉट आर वन माइनस आर टू का यूनिट वेक्टर बताइए, लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ पोजिशन वेक्टर के हिसाब से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिएगा, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए।